कॉटन गुरु श्री मनीष डागा जी, मेरे साथी श्री संदीप जी, श्री प्रशांत ठेकड़े जी, हमारे कोऑर्डिनेटर मिलिंद जी और मेरे सारे विलेज वॉलंटियर्स, मेरे साथी बंधुओं, आज आप सब लोगों से मिलके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, बहुत खुशी हो रही है कि हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। मुझे इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि आप और हम दोनों एक ही हैं। कभी तक आज तक हम लोग फैक्ट्री में काम करते थे, हम लोग ने इतना सारा कॉटन बनाया, धागा बनाया, टी शर्ट्स बनाए, बेडशीट्स बनाई, लेकिन हमको पता नहीं था कि कपास कैसे उगाते हैं, कपास उगाने में आप लोग कितनी मेहनत करते हैं। तो हमको आपसे मिलके, आपसे जुड़ के और आपके माध्यम से जो किसान बंधुओं आपके साथ में हैं उन सब से जुड़ने का एक बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये आज के लिए मेरा सबसे बहुत अच्छा दिन है कि मैं यहाँ पर आया हूँ और आप सब लोगों के बीच में हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि हमने आपको 10 बजे मिलने का कहा था और हम लोग 11 बजे आए, आप सब लोग को एक घंटे का इंतज़ार करना पड़ा, इस चीज़ के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। टाइम सबके लिए इम्पोर्टेंट है, हमको आपके टाइम का ख्याल रखना चाहिए था। तो हम कोशिश करेंगे अगली बार से हम जिस टाइम पर बोलें उस टाइम पर आएंगे। तीसरी बात यह है कि जैसे अभी आप लोगों को बताया गया कि ये एक प्रोग्राम है, ऑर्गेनिक प्रोग्राम है और किसान बंधु हमारे साथ 3 साल के लिए जुड़ेंगे, तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और करेक्शन करना चाह रहा हूँ कि 3 साल के लिए आप नहीं जुड़ रहे हो, आप हमारे साथ सालों साल के लिए जुड़ रहे हो। 3 साल से तो इस चीज़ की शुरुआत होगी और उसके बाद आगे के सालों तक आप हमसे जुड़े रहोगे। तो 3 साल तो एक स्टार्टिंग पॉइंट है, 3 साल ख़त्म नहीं हो रहा है, 3 साल से एक शुरुआत होगी और वो शुरुआत आगे ज़िंदगी भर चलेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी। किसान बंधु जो हैं उनके बच्चे भी ये काम करेंगे, वो भी हमसे जुड़ेंगे, उनके बच्चे होंगे, ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ चलती रहेगी। तो 3 साल में ये प्रोग्राम ख़त्म नहीं हो रहा है, ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है 3 साल से। तो एसोसिएशन है बहुत लंबा, हम आगे एक जर्नी करने जा रहे हैं। इसमें अब आप लोगों को ये क्वेश्चन होगा कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं या किसान लोगों को हमसे क्यों जुड़ना चाहिए। मेरे ख्याल से आप सब लोग हिंदी समझ पा रहे होंगे, है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हिंदी समझने में, ठीक है। तो मैं आपको हमारी कंपनी के बारे में 2 चीज़ बताऊँगा कि हमारी कंपनी कोल्हापुर में महाराष्ट्र में है, जो स्पिनिंग मिल है, जो रुई से धागा बनता है, यान बनता है, सुदगिर मिल है, और उसके बाद में वो यान में से कपड़ा बनता है, बेडशीट बनती है, जो बिस्तर पे हम सोते हैं जो चद्दर होती है वो हमारी कंपनी बेडशीट बनाती है। और वो बेडशीट चद्दर जो होती है वो इतनी अच्छी क्वालिटी की चद्दर होती है कि वो पूरे इंडिया से यूरोपियन कंट्रीज़ में, यूके कंट्रीज़ में, यूएस कंट्रीज़ में सब जगह एक्सपोर्ट होती है। तो वो बहुत बड़े बड़े स्टोर्स हैं, आपने कभी पेपर में पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा, वॉलमार्ट से, H&M है, और भी बॉलिन ब्रांच है, देर आर सो मेनी, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो देश विदेश में हर जगह उनके बहुत बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, वहाँ पे ये सारी बेडशीट जाती है और बहुत अच्छे रेट में वो लोग वो ख़रीदते हैं और उसका हमको कंपनी को वो प्रॉफिट मिलता है, हमको वो पैसा मिलता है। तो हमने सोचा कि वो पैसे के हकदार हम अकेले नहीं हैं, फार्मर भी हकदार है वो पैसे के, क्योंकि वो रुई तो कपास तो फार्मर उगाते हैं, तो वो प्रॉफिट जो मिलता है हमको, वो प्रॉफिट हमको फार्मरों तक पास ऑन करना चाहिए, किसानों को भी वो पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि सही चीज़ सही मेहनत तो वो ज़मीन से वो उगाते हैं, हम तो उसको एक प्रोसेस करते हैं, मशीन से एक चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन वो चीज़ को ज़मीन से उगाने का काम, जन्म देने का काम तो फार्मर करते हैं। तो वो प्रॉफिट के हकदार, वो पैसे के हकदार फार्मर भी है, किसान भी है। तो इसलिए हम आप लोगों से, किसान लोगों से जुड़ने के लिए आए हैं। इसमें जैसे आप लोग ये सोचते होंगे कि फार्मर्स लोग जो कपास ऑर्गेनिक बनाएंगे और फिर आप लोगों को या फार्मर्स लोगों को ये एक रहता है कि उसको कौन खरीदेगा, फार्मर क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं। अभी जैसे प्रशांत बाबू ने समझाया कि ये सब चीज़ें करनी है, ये प्रोसीजर करनी है, तो आप लोगों को और किसानों को ये होगा कि ये सब माथापच्ची हम क्यों करें, हमको क्या फ़ायदा होगा, और हमको ये सब करने के बाद में हमारा ये कपास किसी ने नहीं ख़रीदा तो ये हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी, या तो वो ख़रीदा लेकिन हमको ज़्यादा रेट नहीं मिले, कपास के ज़्यादा पैसा नहीं मिला, तो हम ये सारी मेहनत क्यों करें। ये एक बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है
और ये प्रश्न आना भी चाहिए। तो ये प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही हम लोग यहाँ पर आए हैं कि हम लोग ये कपास जो भी खरीद आप फार्मर लोग पैदा करेंगे वो हम कंपनी वाले खरीदेंगे। वो कपास सिर्फ हम खरीदेंगे नहीं बल्कि उसका ज़्यादा मूल्य भी देंगे फार्मर को। जो मार्केट में जो मूल्य CCI खरीदती है या दूसरे जो भी लोग खरीदते हैं, नॉर्मल कॉटन खरीदते हैं, तो अगर ये ऑर्गेनिक कॉटन होगा तो इसका हम कुछ प्रीमियम देंगे, कुछ ज़्यादा पैसा देंगे। क्यों वो पैसा क्यों ज़्यादा देंगे? क्योंकि फार्मर ने जो गाइडलाइंस प्रशांत बाबू ने बताई है वो गाइडलाइंस के हिसाब से मेहनत करके वो चीज़ों का ध्यान रखा है और उस चीज़ों का ध्यान रखने के लिए उनको काफ़ी समय देना पड़ा है, काफ़ी चीज़ें करनी पड़ी है, तो वो चीज़ों का हम एक्स्ट्रा पैसा फार्मर को देंगे। तो ये चीज़ का हम आपको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए यहाँ पर आए हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि ये प्रोग्राम को आप बहुत ही सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएंगे, फार्मर को कॉन्फिडेंस देंगे। और एक चीज़ मुझे पता चली थी कि जब स्टार्टिंग में हमने सोचा था कि ये जो फार्मर्स हैं, ये फार्मर्स जैसे अभी हमारे 500 फार्मर्स से हमने एक ICS बनाया है और ये 500 अलग अलग आपके सब विलेजेस में 100 फार्मर, 135 फार्मर, 80 फार्मर वगैरह जुड़ के 500 फार्मर का एक ICS बना है और वो 500 फार्मर का एक ICS बना के वो फार्मर के पास भी जगह तो ज़्यादा है लेकिन फार्मर को कॉन्फिडेंस नहीं है। उन्होंने एक एकड़ में ही एवरेज एक एकड़ में ही ऑर्गेनिक का कॉटन उगाने का अभी सोचा है लेकिन वो फार्मर के पास जगह तो ज़्यादा है, 2 एकड़ है, 3 एकड़ है, 4 एकड़ है, पर बाकी में वो नॉर्मल उगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि फार्मर को कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम ये उगाएंगे तो हमको ज़्यादा पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ का आपको मैं कॉन्फिडेंस दिला रहा हूँ, आपसे बात करने के लिए आया हूँ कि आप फार्मरों को प्रोत्साहित कीजिए कि वो अपनी सारी लैंड में ही धीरे धीरे, चलो इस साल तो हो गया, अगले साल वो एरिया बढ़ाए, इस साल उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा, उनको भी खुशी होगी, वो देखेंगे कि हमारे एक एकड़ में जो ऑर्गेनिक बनाए उसका हमको ज़्यादा पैसा मिला है, बाकी के एकड़ में जो नॉन ऑर्गेनिक है उसका इतना ज़्यादा पैसा नहीं मिला है। तो फार्मर को खुद को अंदर से इच्छा होगी कि नहीं हमको ज़्यादा पैसा मिले, ऐसा करना चाहिए, और उनको ज़्यादा पैसा मिले, हमको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो प्रॉफिट हम फार्मर को बांटना चाह रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। तो आप फार्मर लोगों को समझाइए और उनको बताइए कि इस सब चीज़ में सभी का भला है, हम यहाँ पे सब लोगों को मिलजुल के हमको आगे बढ़ना है, हमको कंपनी को अकेले को आगे नहीं बढ़ना है, हम चाहते हैं कि हमारे फार्मर भी हमारे साथ आगे बढ़ें, आप लोग भी हमारे साथ आगे बढ़ें। तो इतना बात कह के मैं ये बात यहाँ समाप्त करूँगा। हमारी काफ़ी CSR एक्टिविटीज़ है, मैं 2 मिनट के लिए संदीप जी को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि CSR एक्टिविटी क्या है उस बारे में आपको बताएं और हम फार्मरों का भला कैसे करना चाहते हैं उस बारे में 2 शब्द कहें। संदीप जी।